Good morning. In Max, in our last lecture, we have completed exercise 4. So, before we are going to start exercise 5, let's see examples. Multiplication of 2-digit number by 2-digit number. Okay, 2-digit number ko 2-digit se multiply karna hai. These examples are from textbook page number 60. Example number 1. मल्टीप्लाई 25 बाय 12. 25 को मल्टीप्लाई करना है 12 से. फर्स्ट अरेंज द नंबर्स इन द कॉलम्स एज पर द प्लेस ऑफ देयर डिजिट. फर्स्टली हमें क्या करना है, वंस टेंस और 100 लिख के डिजिट को लिख लेना है कि कहाँ कौन सी डिजिट आएगी. 24 मल्टीप्लाई 12. अब देखो क्या करना है, हम सिंपली मल्टीप्लाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट. 4 2 8 2 2 4. फर्स्ट मल्टीप्लाई 24 बाय 2 वंस. 24 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 48. पहले हमें इस डिजिट को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आया, 48. यहाँ पे ये सम कंप्लीट नहीं होता क्योंकि हमारे पास 2-digit नंबर है. जब हमारे पास सिंगल डिजिट था तो हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता था, राइट. अब यहाँ पे ये सम कंप्लीट नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास 2-digit है, इसीलिए हमने सिर्फ अभी 2 का ही कंप्लीट किया है मल्टीप्लिकेशन. अब जब हम दूसरी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले यहाँ पे सेकेंड स्टेप में हमें क्या लिखना होता है, 0. ये रूल है, जब भी हमारे पास 2-digit का मल्टीप्लिकेशन हो तो सेकेंड डिजिट को मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या लिखेंगे सेकेंड स्टेप में, 0. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 2 1 2. अब क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है. यहाँ पे देखो कोई डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, राइट. 8 + 0, आंसर विल बी रिमेन सेम 8. 4 + 4, आंसर इज 8. यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है इसीलिए हमने 0 लिखा था. क्या है एडिशन में, 2, तो कोई एडिशन नंबर नहीं है तो 2 का 2 सेम, राइट. 240 इन द सेकेंड रो, हमने सेकेंड रो में क्या लिखा, 240. एड द 2 प्रोडक्ट टू गेट द आंसर. इन दोनों प्रोडक्ट को हमने ऐड किया तो हमें क्या आंसर मिला, 288. 48 + 240 इज इक्वल टू 288. 24 × 12, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारा 24 × 12 आंसर क्या आया, 288. व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय टेंस द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव 0 इन द वंस प्लेस. जैसे मैंने कहा, जब हमारे पास 2-digit नंबर हो हम सेकेंड स्टेप में क्या पहले पुट ऑन करेंगे, 0. ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है. लेट अस सी अनदर एग्जांपल. पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, राइट. दिस एग्जांपल इज फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 61. एग्जाम्पल नंबर 2, मल्टीप्लाई 65 बाय 23. ओके, अब हमें क्या करना है, 65 को 23 से मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट अरेंज द नंबर इन द कॉलम एज पर द प्लेस ऑफ देयर डिजिट. फर्स्टली हमें ये वंस टेंस और 100 लिख के पहले डिजिट लिख लेने हैं. क्या डिजिट लिख लेना है, 65 × 23. पहले मैं किसको मल्टीप्लाई करूँगी, यस 3 को. 2 को पहले भूल ही जाओ, पहले किसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 को, राइट. 5 3 15, 5 down 1 carry. 6 3 18, ऊपर की डिजिट क्या होगी, प्लस होगी, 18 + 1 19, राइट. अब जब भी मैं फर्स्ट डिजिट का कंप्लीट, अब मैं सेकंड डिजिट का लेने जा रही हूँ मल्टीप्लिकेशन, राइट. तो अब क्या करूँगी, सेकंड स्टेप में सबसे पहले 0 लिख लेना है. ये चीज़ भूलनी नहीं है क्योंकि ये मैथमेटिक्स का रूल है, जब भी 2-digit हो हमें सेकेंड स्टेप में 0 लिखना होता है, फिर ही सेकेंड डिजिट को मल्टीप्लिकेशन का स्टार्ट करना होता है, राइट. तो हम सेकेंड स्टेप में पहुँचे सेकेंड डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में, तो हम पहले यहाँ पे 0 लिख लेंगे. 5 2 10, 0 down 1 carry. 6 2 18 + 1 19.
सिक्स टू ज़ा 12 प्लस 1 13, 13 का 13 हमने लिख लिया राइट। अब हम में क्या करना है, ये दोनों का एडिशन करना है। 5 का 5 एज इट इज़, 9 प्लस 0 यानी आंसर विल बी रिमेन सेम 9, 3 प्लस 1 यस 4, 1 का 1 एज इट इज़, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो इसीलिए हम यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं राइट। अब हमने क्या किया, फर्स्ट 65 बाय 3 वंस, 65 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, फर्स्ट स्टेप में हमारा आंसर क्या आया, 195 राइट, 195 इन द फर्स्ट रो। नेक्स्ट वी मल्टीप्लाई 65 बाय 2, पहले हमने 65 मल्टीप्लाई 3 किया फर्स्ट रो में, सेकंड रो में क्या किया 65 मल्टीप्लाई 2, तो हमारा आंसर क्या आया 1300 राइट, 1300 इन द सेकेंड रो, सेकेंड रो में हमें 1300 लिख लेना है। एड द प्रोडक्ट टू गेट द आंसर, फिर हमें क्या करना है, इन दोनों प्रोडक्ट को ऐड करना है तो हमें आंसर मिल जाएगा, सिंपल। एड द टू प्रोडक्ट टू गेट द आंसर, 195 प्लस 1300 इज इक्वल टू 1495, सो आंसर क्या आया 65 मल्टीप्लाई 23 का 1495। हमें ये क्या है, कौन सी चीज़ याद रखनी है, द प्रोडक्ट ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड अनदर टू डिजिट नंबर कैन नॉट बी मोर देन फोर डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर की प्रोडक्ट को जब हम अनदर टू डिजिट की नंबर से करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो जब हम टू डिजिट नंबर को अनदर टू डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो फोर डिजिट से ज़्यादा नहीं होगा। अगर फोर डिजिट से ज़्यादा आंसर आता है तो वो हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है राइट। ओके सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर एक्सरसाइज। दिस एक्सरसाइज इज फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 61। एक्सरसाइज नंबर 5, क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई द फर्स्ट वन हैज डन फॉर यू। ओके फर्स्ट सम है, इन लोगों ने हमें टेक्स्ट बुक में दे रखा है, क्या दिया हुआ है 35 मल्टीप्लाई बाय 12, सेम पहले हमें इसे भूल जाना है, इसको ही देखना है, 4 टू ज़ा 8, 3 टू ज़ा 6, सेकेंड स्टेप पे हम आ गए, ये 2 का काम कंप्लीट। अब हम जब 1 को देखेंगे तो हम सेकेंड स्टेज पे सबसे पहले 0 पुट ऑन करेंगे राइट, 4 वन ज़ा 4, 3 वन ज़ा 3। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एडिशन, 8 का 8 एज इट इज़ क्योंकि यहाँ पे 0 है, 6 प्लस 4 7, 8 9 10, 10 का 0 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 408 आंसर। ओके मूविंग फर्दर, नंबर 2, 49 मल्टीप्लाई बाय 25, सबसे पहले हम किस को करेंगे मल्टीप्लाई, 5 से 9 टाइम या 9 से 5 टाइम, आंसर विल बी रिमेन सेम, सो लेट स्टार्ट। 5 का टेबल 9 टाइम रीड करो या 9 का 5 टाइम, आंसर सेम आता है ठीक है, तो हम 9 का रीड करेंगे 5 टाइम, 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27, 9 फोर जा 36, 9 फाइव जा 45, क्या आया आंसर हमारा, यस 45, 5 डाउन 4 कैरी राइट। अब 5 को रिकट करना है 4 टाइम, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15, 5 फोर जा 20, ऊपर का जो है एडिशन करना है उसको, 20 प्लस 4 21, 22, 23, 24, क्या आया आंसर हमारा 24 राइट। अब हमें सेकेंड स्टेज में ले रही हूँ 2 को, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगी, यस 0 राइट, 9 टू ज़ा कितना होता है, यस 18, इसको कट कर लेना है, इसका काम ख़त्म हो जाए तो इसको कट कर लेना है राइट, 9 टू ज़ा 18, 8 डाउन 1 कैरी, 4 टू ज़ा 8 प्लस 1 9, अब क्या करना है, इन दोनों का एडिशन, 5 का 5 एज इट इज सेम रहेगा, 8 प्लस 4 9, 10 11 12,
12 का 2 डाउन, 1 कैरी, 9 प्लस 3, 10, 11, 12. यस, मूविंग फर्दर. नंबर 3, क्या दिया हुआ है? 73 मल्टीप्लाई बाय 37. सबसे पहले हम किसको लेंगे? 7 को. इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? सो लेट अस स्टार्ट. 7 का टेबल 3 टाइम. 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 21. 1 नीचे, 2 कैरी ऑन. 7 7 जा कितना होता है? यस, 49 प्लस 2 50 51. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 51. ये 7 का काम ख़त्म हो गया, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका जो कैरी होना है उसको तभी के तभी कट कर लेना है. इसका कोई काम नहीं है. अगर हम इसको रखेंगे तो आगे करने में कंफ्यूजिंग होंगे, राइट? तो इसको तभी के तभी कट कर लेना है पेंसिल से, लाइटली कट. मतलब ऐसे गंदे से कट नहीं करने बैठना, सिंपली सिर्फ वन सिंगल लाइन यूज़ करना कट के लिए. यस, मूविंग फर्दर. अब जैसे हमने 7 को दोनों से मल्टीप्लाई किया डिजिट को, अब 3 को मल्टीप्लाई करना है. 3 3 जा 9, 3 7 जा 21. अब देखो, 3 3 जा 9 यहाँ आएगा? नो. यहाँ पे क्या आएगा? 0. क्यों 0 आएगा? क्योंकि ये क्या है? रूल है. 9 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा. यही चीज़ दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे 9 लिखा आपको. यहाँ पे 9 नहीं लिखना. यहाँ पे जब आप सेकेंड स्टेप चालू करोगे, यहाँ पे 0 लिखना है, ठीक है? ये आपको समझाने के लिए मैंने किया. 3 3 जा 9, 3 7 जा यस 21. अब क्या करना है? इन दोनों का एडिशन. 1 का 1 एज इट इज, 9 प्लस 1 10, 5 6 7. ये 2 का 2 एज इट इज. हमारा आंसर क्या आया? 2701. यस, मूविंग फर्दर. नंबर 3, 98 मल्टीप्लाई बाय 43. पहले 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई. 8 का टेबल 3 टाइम रीड करेंगे. 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24. 4 डाउन, 2 कैरी. 3 का टेबल 9 टाइम या 9 का 3 टाइम? आंसर सेम, 9 का 3 टाइम करेंगे. 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27. प्लस 2 28, 29. अब इसका काम ख़त्म हो गया तो इसको कट कर देंगे, राइट? अब जब मैं सेकेंड स्टेप में पहुंची हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या लिखूंगी? 0. ये चीज़ भूलनी नहीं है, इसीलिए मैं बार बार रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है? अगर आप यहाँ पे 0 लगाना भूलोगे, आंसर रोंग आएगा. 8 का टेबल 4 टाइम या 4 का 8 टाइम? आंसर सेम. सो 8 का टेबल 4 टाइम. 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24, 8 फोर जा 32. 2 डाउन, 3 कैरी. 3 का टेबल 9 टाइम. 4 का टेबल 9 टाइम रीड करो या 9 का 4 टाइम? आंसर विल बी रिमेन सेम. सो लेट स्टार्ट. 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27, 9 फोर जा 36. ऊपर का जो है उसको कैरी कर, उसको इसी में ऐड करना है. 36 प्लस 3, 37, 38, 39. यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पे 0 लिख लूँगी. 4 का अब क्या करना है? इन दोनों का एडिशन. 4 का 4 एज इट इज, 9 प्लस 2 10, 11. 1 डाउन, 1 कैरी. 9 प्लस 2 11, प्लस 1 12. 2 डाउन, 1 कैरी. 3 प्लस 1 4. तो हमारा आंसर क्या आया? 4214. आई होप यू ऑल आर क्लियर विथ दिस फोर सम्स. थैंक यू.